मनावर बाकानेर सिंघाना क्षेत्र के सकल जैन समाज ने पहली बार इतनी संख्या में एकजुट होकर अपना संपूर्ण व्यापार बंद रखकर प्रमुख मार्गों से निकलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव तथा झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के नाम ज्ञापन गांधी चौराहे पर तहसीलदार आरसी खतेड़िया को दिया गया। आज बुधवार की दोपहर 3 बजे नगर के मध्य लोहार पट्टी स्थित शंकेश्वर पार्श्वनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर विशाल मौन जुलूस ज्योतिष रत्न मुनि दिव्य चंद्र विजय के पावन सानिध्य में अपने जैन तीर्थ समय शिखर जी बचाओ आंदोलन के तहत आज नगर के श्वेतांबर दिगंबर जैन समाज के पुरुष महिला बच्चे हाथों में समाज का पचरंग ध्वज तख्ती लेकर विरोध मौन जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से निकालकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव तथा झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के नाम ज्ञापन गांधी चौराहे पर तहसीलदार आरसी खतेड़िया को दिया गया। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। जब जैन समाज का व्यक्ति, मैं आज कर बद्ध निवेदन करूंगा, अभी हमारा मौन जुलूस था, हमने मौन जुलूस निकाला, पर आज के बाद किसी की आवाज बंद नहीं होना चाहिए। हम संकल्प लेकर के चले, क्योंकि ये हमारी आस्था का प्रतिबिंब है। हमने मौन जुलूस निकाला, इसका यह मतलब नहीं कि जैन समाज सिर्फ मौन रहना जानता है। अगर अपने तीर्थंकरों की बात आ जाए तो एक बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखना, एक तो पद का त्याग कर देना, एक मद का त्याग कर देना और दूसरा पंथ का त्याग कर देना। बाबजी, आज ये भारत बंद का आह्वान जैन समाज के द्वारा किया गया है, ये क्यों किया गया है? परम आराध्य पुरुषादानी परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान की अंतिम साधना स्थली, साथ ही में 20-20 तीर्थंकरों की तप स्थली समेत शिखर पर झारखंड सरकार द्वारा उसे पर्यटक क्षेत्र घोषित करने के लिए झारखंड सरकार ने प्रयत्न किया, एक कोशिश वह कर रहे हैं। आज संपूर्ण भारत भर के जैन धर्मावलंबियों द्वारा संपूर्ण भारत को बंद कर, अपने प्रतिष्ठान बंद कर, एक ज्ञापन भारत सरकार के साथ में झारखंड सरकार को प्रेषित किया। हमारी एकमात्र मांग है कि हमारे आराध्य परमात्मा पार्श्वनाथ प्रभु की तप स्थली वैदिक धर्म अनुसार जहाँ शिव ने जिस भूमि की स्पर्श न करी, ऐसे पवित्र पावन क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाया जाए, तीर्थ रूप में उसकी उद्घोषणा की जाए, ना कि पर्यटक क्षेत्र बना करके उस तीर्थ तपोभूमि का अपमान किया जाए। संपूर्ण भारतवर्ष के जैन धर्मावलंबियों द्वारा आज एक प्रयत्न, हमने हमारी आवाज़ भारत सरकार और झारखंड सरकार तक पहुंचाने का हमने प्रयत्न किया। हमारा तीर्थ सुरक्षित रहे, जैन धर्म की आस्था बरकरार रहे और हमारी आस्था के साथ में अगर जो कोई खिलवाड़ करेगा तो हम संपूर्ण जैन समाज उसका पूर्ण जोर विरोध करेंगे, क्योंकि ये हमारे तीर्थ की पवित्रता का कारक है और पवित्रता उसकी बरकरार रहे, इसलिए हम जैन धर्म अपनी बात भारत सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।